आगर बात करें तो वावाजोड़ा बिपरजॉयना नवा रूट थी गुजरात पर जोखम वध्यू छे। स्कायमेटे कह्यु छे के हवे वावाजोड़ उत्तर पूर्व तरफ आगळ वधशे। नलिया ने मांडवी नी आसपास वावाजोड़ लैंडफॉल करशे। वावाजोड़ नलिया तरफ टर्न करी रह्यु छे। बिपरजॉय ने लईने स्कायमेट नुं अनुमान छे कि 15 जूने वावाजोड़ गुजरात ने क्रॉस करशे। जो साइक्लोन है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बना हुआ है, अब ये कम से कम 14 तारीख तक ये उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, उसके बाद ये उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़कर गुजरात के तट को पार कर सकता है। पहले गुजरात पर खतरा नहीं था, लेकिन अब गुजरात पर काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया है। ये एज अ सीवियर साइक्लोन गुजरात के तट को पार कर सकता है 15 जून को। और इस समय अगर आप देखें तो बादलों की जो एक तरह से आप देखिए सर्कुलेशन है जो कितना ज्यादा घना बना हुआ है, यहाँ पर इसका आई ऑफ साइक्लोन है और इसका जो रूट है वो इस तरह से जाकर के यानी कि यहाँ जाएगा और उसके बाद इस तरह से रिकर्व करेगा। तो ये इस समय का सैटेलाइट पिक्चर है और आप देखिए कि जो पूर्वी भारत है वहां पर भी बादल बढ़ गए हैं और उत्तर पूर्वी भारत में मूसलाधार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि बारिश की गतिविधियां केरल कर्नाटका और उत्तर पूर्वी भारत के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत ज्यादा हुई है, इसीलिए मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और यही कारण है कि जो पश्चिमी तट पर है वो इस साइक्लोन के कारण, क्योंकि पश्चिमी तट पर मानसून बढ़ा है और उत्तर पूर्वी राज्यों में बढ़ा है, लेकिन अभी भी मानसून जो आंध्र प्रदेश वगैरह पे जहां पर पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंचा है, वो थोड़ी सी देरी है इस इलाके में। तो थोड़ा इसके बारे में बात कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि जो ट्रैक है, अलग अलग ट्रैक है, वो क्या बने हुए हैं। तो अभी देखिए ये जो ट्रैक है ये ज्वाइंट टाइफून वार्निंग सेंटर का है, ये दिखा रहा है कि देखिए 14 तारीख तक आएगा, उसके बाद रिकर्व करके ये नलिया और मांडवी के बीच में कहीं पर ये लैंडफॉल करेगा, कराची यहां पर है। और कुछ मॉडल इसको अलग रूट दिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो जो CIMSS है वो भी काफी बड़ी अच्छी साइट है, उसमें भी अगर देखें तो उसमें आप देखिए वो भी लगभग इसी तरह से लेके जा रहा है और यहां पर आकर के ये थोड़ा सा कमजोर हो रहा है और तट से पहले और ज्यादा कमजोर होते हुए ये नलिया के थोड़ा सा दक्षिण में गुजरात की तरफ टर्न कर रहा है। यानी लगातार सारे जो मॉडल हैं वो यही रूट इसका दिखा रहे हैं और ये काफी अहम बात है क्योंकि जो अचानक इसने परिवर्तन किया है रूट का, ये खतरा ये गुजरात के ऊपर बढ़ गया है और कराची से खतरा कम हो गया है, साउथ सिंध से खतरा कम हो गया, लेकिन बारिश वहां पर बहुत ज्यादा होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे ये उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 28-29 डिग्री के आसपास हो जाएंगे, जो अभी 31 डिग्री के आसपास है, तो क्या होगा, और जो जो एनर्जी है वो भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएगी। वर्टिकल विंड शेयर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो इस मानसून को कमजोर करने में सहायक होंगी। तो अभी आप देखिए जब ये साइक्लोन है ये आप देखिए यहां पर है और ये इस तरह से आगे बढ़ता हुआ इस तरह से टर्न कर जाएगा। तो पोरबंदर चौपाटी पर जाहिरनामा की ऐसी तैसी जो मड़ी, वावाजोड़ा पगले चौपाटी सहित दरियाई विस्तारों में कलम 144 लागू कराई छे, तेम छतां सवारे लोकोना टोळा जोवा मळ्या। लोकोने चौपाटी अने समुद्र नजीक नहीं जवा सूचना होवा छतां सवारे घणा लोको चौपाटीमां छे, किनारा सुधी ऊंचा उछळता मोजा नजीक पहोंची गया हता अने तोफानी दरिया साथे सेल्फी लेता नजर पड्या। सरकारना कड़क आदेश बाद पण लोको जीव जोखममां मूकी मौज मस्तीमां मशगूल जोवा मळ्या। तो बीजी बाजु तंत्रनो आदेश जाणे के कागळ पर होय तेम अही कोई पोलीस बंदोबस्त के सुरक्षा जवानो नजरे पड़ता न हता। अरबी समुद्र में सर्जायेला वावाजोड़ा कारण पोरबंदर दरियो तोफानी बन्यो छे, त्यारे पोरबंदर दरियाना तोफानी मोजा ने लईने दरिया कांठे आवेला इंद्रेश्वर महादेव मंदिर की दीवाल धसी पड़ी हती। जो कि इंद्रेश्वर महादेव मंदिर पास 30 फूट ऊंचा मोजा उछड़ी रहा था। वावाजोड़ू जेम जेम आगळ वधी रह्यु छे तेम तेम पोरबंदर जिल्ला में पवन की गति वधी रही छे। महत्वनुं छे कि दरिया में भारे करंट जोवा मळता लोकोनी अवरजवर पर प्रतिबंध मूकी देवामां आव्यो छे। तो भावनगरना दरियाकांठे पण बिपरजॉय वावाजोड़ानी असर जोवा मळी। सामान्य दिवसो करता दरियामां वधु करंट जोवा मळ्यो। कोळियाक गामे निष्कलंक महादेवनुं मंदिर आवेलुं छे, जेथी तंत्रे दरियाकिनारा विस्तारमां जवा पर प्रतिबंध मूक्यो छे। जो कि हाल भारे पवनની સાથે દરિયામાં મોટી ભરતી પણ આવે છે, જેથી દરિયાકિનારે તમામ સ્ટોલ પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે। કોળિયાકના દરિયાકિનારે બેરિકેડ પણ મૂકી દેવામાં આવ્યા છે, સાથે સાથે પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો છે। ગુજરાત પર ત્રાટકનારા સંભવિત બિપરજોય વાવાઝોડાની અસર ભાવનગરમાં પણ જોવા મળી।
हाल आपणे भावनगरना निष्कलंक महादेव एटले के कोळियाक बीच पर हाजर छे। तमे जोई शको छो दृश्यमां जे समुद्रमां सामान्य दिवसोमां जे करंट होय छे तेना करता वधु करंट जोवा मळी रह्यो छे। गई काले कलेक्टर द्वारा जे जाहेरनामुं प्रसिद्ध करवामां आव्युं छे तेने लईने कोईपण जे सहेलाणीओ छे दर्शनार्थीओ छे ते निष्कलंक महादेवना दर्शने आव्या नथी। अहींया जे पोलीसनो चुस्त बंदोबस्त पण गोठवी देवामां आव्या छे। કોઈપણ લોકો દરિયા કિનારે ન આવે તે માટેના તકેદારીના તમામ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। જે પ્રમાણે દરિયાનો કરંટ છે તે ધીમે ધીમે વધી રહ્યો છે, પવનની ગતિ પણ છેલ્લા બે દિવસ કરતાં આજે વધી છે। ચોક્કસથી કહી શકાય કે જે પ્રમાણે કચ્છમાં વાવાઝોડું ત્રાટકવાનું છે તેની અસર ભાવનગરમાં પણ જોવા મળી છે। અરવિંદ ભટ્ટી, જીએસટીવી।